जो बाइडन की कोशिशों के चलते थमा इसराइल और फलस्तीन का खूनी संघर्ष, नेतन्याहू से लगातार बनाए हुए थे संपर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता को देखते हुए जब बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फिर फोन करके भरोसा दिलाया कि सीज फायर होने वाला है, तब बाइडेन के सामने राष्ट्रपति बनने के बाद आया पहला विदेश नीति संकट समाप्त हो चुका था। इसराइल और फलस्तीन के बीच 11 दिनों की जंग के बाद हुए संघर्ष विराम में अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में रहे और उन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाते रहे। संघर्ष विराम लागू होने से पहले नेतन्याहू ने बाइडेन को फोन करके बताया था कि युद्ध समाप्त होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन चिंतित थे आखिरी वक्त में बात ना बिगड़ जाए। जो बाइडेन की चिंता को दूर करने के लिए व्हाइट हाउस के सहयोगियों ने इसराइल और मिस्र से यह पता लगाने के लिए फोन कर संपर्क किया कि संघर्ष विराम लागू होगा या नहीं। इस संबंध में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और इसराइल के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमास की ओर से फिर से रॉकेट दागे जाने से मिस्र की मध्य व्यवस्था और हुए समझौते पर पानी ना फिर सके। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कोशिशों के चलते आखिरकार फलस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध को समाप्त कराने में कामयाबी पाई है। न्यूज़ एक्सप्रेस यूपी।